मध्य प्रदेश चुनावी दौर में पार्टियों से खफा निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा हजारों की संख्या में नामांकन दाखिल किया गया। जावरा विधानसभा 222 तो साथ ही पार्टियों में टिकट मिला के सिंह खालूखेड़ा ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस से डॉक्टर हमीर सिंह राठौर ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। साथ ही पिपलौदा नगर पंचायत अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी जी पटेल ने भी सैकड़ों की संख्या में समर्थकों के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। पार्टी से टिकट नहीं मिलने के कारण श्याम बिहारी जी पटेल ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। को नियंत्रण करके भ्रष्टाचार को कम से कम किया जाए, जिससे सर्वप्रथम आधारभूत जनता को एक राहत मिले। इसके बाद शिक्षा में भी स्कूल शिक्षा में काफ़ी काम हो चुका है। मेरा उद्देश्य उच्च शिक्षा जो है वो और रोजगार जो कोर्सेज हैं उनको लाने का प्रयास किया जाएगा। स्वास्थ्य के बारे में आपको ज्ञात ही है कि यहाँ डॉक्टर्स की उपलब्धता नहीं है, उपकरण पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, व्यवस्थाएं करवाई जाए। और उसके बाद कृषि जो है, किसान सबसे ज़्यादा परेशान आज, उसको अपने उत्पादन का जो भाव है वो उचित नहीं मिलता। जावरा का विकास और किसानों की सुरक्षा, किसानों में जो भावांतर और दूसरी जितनी भी खामियां है मंडी में, उसको लेकर के जो नाराजगी है और युवाओं में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या जावरा में लंबित है, उसको मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। और जावरा पार्टी के प्रति आपका बहुत गहरा संबंध रहा है, और आपके साथ अगर अनदेखा किया गया, क्या कारण रहा है? भाई ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ऊपर वाले ही कह सकते हैं, पर मैंने 40 सालों तक लगातार कांग्रेस की सेवा की है और अभी भी मैं यही तो हम जानना चाहते हैं क्यों, क्या क्या कारण है? और अभी भी मैंने दोनों फॉर्म भरे हैं, कांग्रेस का भी भरा है और निर्दलीय भी भरा है, क्योंकि 14 तारीख में अभी 4-5 दिन की देर है, पार्टी फैसला बदल दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बदलेगा तो मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा, उस पर मैं अटिक हूँ। आपकी पार्टी की विकास का मुद्दा सबसे प्रमुख रहेगा, युवाओं के साथ लगातार जो अन्याय हुआ है वो मुद्दा प्रमुख रहेगा, और वंशवाद और परिवारवाद ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि दोनों ही पार्टी ने कहीं ना कहीं परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ावा दिया है। और पैराशूट से एंट्री तो सुनी थी, पर राजनीति में अनुकंपा नियुक्ति भी इस बार देखने को मिल रही है। और पिछले 50 से 60 साल हो गए हैं, एक ही परिवार को आप लगातार सींच रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं कथनी और करनी का अंतर है, और ये प्रमुख मुद्दा रहेगा। बगावती सूट में आप क्यों? भारतीय जनता पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो युवा कार्यकर्ता हैं, उन सब की अनदेखी की गई है, क्योंकि पार्टी ने कहा था कि हम सर्वे करेंगे और सर्वे के आधार पर टिकट का निर्णय होगा। लगभग सर्वे 27 सर्वे भारतीय जनता पार्टी और अनुसंगी संगठनों के रहे, और कहीं ना कहीं या तो पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पर 27वीं सर्वे में अगर कोई नाम गया तो श्याम बिहारी पटेल का गया। इतना प्रेम कार्यकर्ताओं का और वरिष्ठ जनों का रहा, लेकिन उसके बाद भी पार्टी ने उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए परिवारवाद और वंशवाद को चुना है। तो अब ये क्यों चुन पाए हैं, इसके पीछे तो कई सारी आकांक्षा उम्मीद वो लगता है, कई सारे ऐसे इशारे भी आ रहे हैं कि या तो कहीं ना कहीं सूटकेस का मामला है, या तो कहीं ना कहीं और दबाव है, तो इस प्रकार की बातें सामने आ रही है, और आने वाले समय में 28 तक कई सारी चीज़ें क्लियर होगी। पार्टी दबाव में आप